इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे अपने मध्य श्री अंबर खरबंदा जी। श्री अर्जल मंगलोरी साहब कृपया सम्मान स्वीकार करने के लिए आएंगे। सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती नीता कुकरेती जी अफजल मंगलोरी साहब मंच पर। श्रीमती नीता कुकरेती जी मंच पर। श्रीमती वीना बेंजवाल जी। हमारे पंजाबी के कवि हैं श्री प्रेम साहिल साहब और श्रीमती श्रुति वत्स हिंदी की कवित्री श्री प्रेम साहिल जी श्रीमती श्रुति वत्स श्री प्रेम साहिल जी हमारे पंजाबी के कवि हैं। हिंदी की कवियत्री हैं श्रीमती श्रुति वत्स। श्रीमती बसंती मटपाल जी कुमाऊनी की कवियत्री। श्री गिरीश सुंदरयाल जी गढ़वाली कवि हैं श्री गिरीश सुंदरयाल जी। श्री गिरीश सुंदरयाल जी ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नैनीताल से हमारे बीच जो केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में संचालन करते हैं और हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसा संचालक जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हिम्मत विष्ट जी के लिए जोरदार तालियां से उनका अभिनंदन करें और ये पूरे कवि जगत की ओर से उनका अभिनंदन हो रहा है। मैं अफजल मंगलोरी आप सब की ओर से एक बार जोरदार तालियों से जरा था उत्साहवर्धन। हेमंत जी का कोई उनके संचालन का कोई जोड़ नहीं है। बहुत धन्यवाद। और एक राज्य की मुख्यमंत्री जी को पेश करूंगा और उनियाल साहब को सर। हम अनुरोध करते हैं माननीय भाषा मंत्री महोदय से दो शब्द हम सबको आशीर्वाद स्वरूप ज्ञापित करेंगे।
आज राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर इस कवि सम्मेलन में मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री सम्मानित पुष्कर सिंह धामी जी का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और आप सब कवियों का और कविता प्रेमियों का, क्योंकि तो कविता के प्रेमी होना अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है, आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समर्थ राज्य बनने के बाद इस अवसर पर और हमारे बुद्धिनाथ मिश्र जी, हमारी भाषा निदेशक स्वाति भदौरिया जी, सभी सम्मानित कविगण, राज्य बनने के बाद संभवतः पहली बार भाषा विभाग के द्वारा इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और हमारा ये प्रयास रहेगा मुख्यमंत्री जी, हम जिस तरह हमारा देश बहुभाषाई बहुधर्मीय देश है, उसी तरह हमारा राज्य भी उसी गुलदस्ते की तरह एक बहुभाषाई और बहुसंस्कृतियों को लेकर के चलने वाला राज्य है और इसमें भाषा संस्थान को मजबूत करना मैं समझता हूँ हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भाषा संस्थान को मजबूत करके वो लोग अपना जो लोग अपना जीवन समाज के विभिन्न कुरीतियां हैं, जागरूकता है, सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए शब्दों के माध्यम से एक वाहक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में भी जहां स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा वहाँ निश्चित रूप से पत्रकारिता और कविता के माध्यम से भी देश के लोगों को आज़ादी की अलग जगाने के लिए एक उनके अंदर जोश भरने का काम किया गया। समाज समाज पर तमाम तरह की कुरीतियाँ उनको किस तरह से समाज के बीच में खड़ा करके समाज को उनकी बुराइयों के बारे में समाज को उनके बारे में किस तरह से खड़ा किया जाए इसके लिए आप कविताओं के माध्यम से काम करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो आपका जो भाव और जो आप इन भावों को प्रकट करने के लिए कविता के रूप में संजो के जो अपना बहुमूल्य समय इसमें देते हैं उसके लिए निश्चित रूप से आप लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए और आप सम्मान योग्य हैं भी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भाषा संस्थान को मजबूत करके हम इस राज्य के भाषा संस्थान को देश के अग्रणी भाषा संस्थानों के रूप में खड़ा करने का एक प्रयास करेंगे ताकि एक बेहतर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे यहाँ तमाम तरह की प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को देश दुनिया के स्थापित लोगों के मुकाबले बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होने का अवसर मिले और जो संभावना उनके अंदर छिपी है वो दुनिया के सामने जाएं और लोग उस चीज को प्राप्त करते हैं जिसके वो हकदार हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का रविंद्र प्रधान जी बैठे हैं, आप सबका मुनिराम सकरानी जी और अन्य हमारे जो सभी क्योंकि कविताओं को हम श्रोता उनके सुनेंगे तो इसलिए उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी दस दस लोगों की जमात है और मेरा ये मानना भी है मैं आपसे एक निवेदन ही करूँगा, जैसे हमने भी प्रयास किया इस बार एक डॉक्टर श्रुति वत्स ये हैं तो मेरे नरेंद्रनगर में वीडियो एक कविता का बड़ा शौक था और ये कहने लगी मुझे नौकरी छोड़नी है मुझे कविता के क्षेत्र में जाना है। हाँ तो इस तरह क्रेजी होना लेकिन जीवन यापन के लिए आपको कुछ ना कुछ साधन भी चाहिए, तो मेरा ये निवेदन है कि नवोदित लोगों को भी आप मौका जरूर दीजिएगा, इसीलिए आज ये पहली शुरुआत की है इतने अनुभवों के बीच में एक नवोदित के रूप में। मैं चाहता हूँ भविष्य में जब भी इस तरह की हो तो किसी न किसी नवोदित को चांस देकर ताकि वो आपसे सीखे, आपके अनुभव से सीखे, आपके जो आपको दुनिया में एक्सपोजर मिला उससे उसको सीखने का अवसर मिले और एक बड़े आत्मविश्वास के साथ वो आपकी दुनिया में आगे बढ़ सके। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
जो शेष कार्यक्रम की रूपरेखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना स्नेह आशीर्वाद से हम अनुग्रहित करेंगे। उसके पश्चात जब कविगण मंच पर आमंत्रित किए जाएंगे तो निदेशक महोदय धन्यवाद और उस समय का बेहतरीन सदुपयोग होगा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और स्वागत करेंगे। तब तक हमारे सभी अतिथि कवि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हम अनुरोध करते हैं कि कम से कम एक दो कवियों को सुनकर माननीय यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा सर्व भाषा कवि सम्मेलन में अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री जो भाषा विभाग के भी मंत्री हैं आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंचा सिंह कवि डॉक्टर गोदीनाथ मिश्र जी, निदेशक भाषा स्वाति भदौरिया जी, हमारे सभागार में उपस्थित सभी कविवर जिनको सुनने के लिए काफी लोग धीरे धीरे यहाँ एकत्र हो रहे हैं, हमारे सभी अतिथिगण, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, हमारे आंदोलनकारी नेता श्री रविंद्र जुगराम जी एवं सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को कल राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना दिवस की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवियों के बीच में आकर भाषण देना ठीक वैसे ही है जैसे जो है स्वादिष्ट खीर के बीच में कोई कंकड़ आ जाना, क्योंकि आप सब लोग, मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग अपनी अपनी यहाँ से हैं कविता करने के लिए व्याकुल हैं, मैं देख रहा हूँ, और प्रतीक्षा में हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना वैसे, क्यों रविंद्र जी? सुनने के लिए भी व्याकुल हैं। और ये वैसे ही हो जाता है जैसे कोई टेलीविजन पर कोई बहुत बढ़िया धारावाहिक आने वाला हो ना, उससे पहले ऐड आ जाएगा। ये सम्मेलन है तो आज जो है हास्य विनोद थोड़ा होना ही चाहिए। देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है साहित्य संगीत अथवा किसी भी अन्य कला से विहीन जो साक्षात पूछ और सिंगों से विहीन जो है, जो इनसे अलग होता है, वो एक पशु की तरह ही होता है, जानवर की तरह होता है। और हमारे जैसे लोगों के लिए आज दिन भर की आपाधापी में सभी प्रातःकाल से यहाँ से अभी शिमला से लौट के आ रहा हूँ और दिन भर वहाँ आज कार्यक्रमों की भरमार, मैं 4:45 पर यहाँ पहुँचा हूँ और 5 बजे घर पहुँचा, वहाँ से थोड़ा हाथ मुँह धो के फिर सीधे आपके बीच में चला आया हूँ। पता लगा कि आप लोग थोड़ा अभी तैयारी में व्यस्त हैं तो थोड़ा और विलंब लगेगा, तो इतनी देर में हम लोगों ने चाय पान किया यहाँ पर, जलपान किया मिश्रा जी। और ऐसे कार्यक्रमों में जाना होता है तो निश्चित रूप से मेरे मन में भी बड़ी उत्सुकता थी, बड़ा इंतजार था। और हेमंत जी कह रहे थे विष्णु जी की जो है एक आध कविता सुन के जाना, मैं तो सोच रहा था कि आपके बीच में जो है जब तक आपका कवि सम्मेलन चले तब तक बैठा रहा, लेकिन क्या करें, इसके बाद ये जो टाइम का शेड्यूल है, घड़ी है, वो घड़ी ऐसी बनी रहती है कि 5:15 आपके यहाँ आना है, 6:30 फिर दूसरे कार्यक्रम में जाना है, फिर 7:30 से दूसरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 9:00 से
कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस चालू हो जाएगी, दिन भर यही लगा रहता है। तो जब आप लोगों के बीच में आते हैं तो अत्यंत ही एक शांति का और सुकून इसका अनुभव मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में आकर। आपको यह बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत टूटा फूटा जो है लिख लिया करता था और कुछ वो लास्ट में उन दिनों कुछ काव्य पढ़ने का भी शौक था, जयशंकर प्रसाद जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का और हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला उन्होंने लिखी थी। तो अब पढ़ने का समय तो मिल नहीं पाता है, परंतु अभी भी जो है पढ़ने का जो शौक है वो बरकरार है। मौका मिलते ही कुछ न कुछ पढ़ने का मैं प्रयास करता हूँ। अभी मैं हिमाचल से जब आ रहा था तो वहाँ एक व्यक्ति बोला मुझसे कि मैं आपको जानता हूँ, तो आप उत्तराखंड देवभूमि के हैं, वहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप उत्तराखंड आए हो क्या कभी? तो उसने कहा कि नहीं, मैं उत्तराखंड तो नहीं आया हूँ, लेकिन उत्तराखंड भी हिमाचल जैसा ही है, वहाँ के लोग भी हमारे जैसे ही सीधे साधे होते हैं, यानी कि जैसे हिमाचल वाले सीधे साधे हैं वैसे ही उसने कहा कि उत्तराखंड के लोग भी सीधे साधे होते हैं। उस बात से मुझे बड़ा उसने प्रभावित किया कि उत्तराखंड के लोगों को अभी भी सीधा साधा समझा जाता है। और सबका ये मानना है कि जो भी उत्तराखंडी होगा, उत्तराखंड की जो पहचान है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, जनमानस में, कि एक उत्तराखंडी जो भी होगा वो सच्चे दिल का होगा, अच्छे दिल का होगा, सबके लिए नेक बातें करने वाला होगा, नेक विचार रखने वाला होगा और भला मानुस होगा। और मेरा ये मानना है कि जो भला मानुस होगा, जो भला मानुस होगा, जिसका दिल साफ होगा, जिसके दिल में करुणा होगी, पीड़ा होगी, दया होगी, वही कविता लिख सकता है। क्योंकि दिल से कही गई बात हमेशा दिल को छूती है और कवियों के हृदय से जो निकलता है वो बिल्कुल अंदर से निकलता है, अंदर से बिल्कुल जो है आत्मा के अंदर से जो चीर कर जो मैं कहूँ कि अभिव्यक्ति होती है वो बाहर आती है, जो दिल में होता है। इसीलिए कवि और शायरों के लिए किसी ने कहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह और सपूत। तो निश्चित रूप से आप सब लोग जो भी यहाँ पर आए हैं सभी अपने अपने क्षेत्रों के सिद्धस्थ हैं, विद्वान हैं। मैं आप सबको बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कल हमारा राज्य ठीक 22 साल के पूरा हो जाएगा और 22 सालों में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे कुछ हमने सीखा है, कुछ करने का प्रयास किया है, कुछ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सरकार की दृष्टि से भी काफ़ी सारे कामों को आगे बढ़ाया है, जहाँ हम औद्योगिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा औद्योगिकरण हो, उसके लिए लगभग 6000 एकड़ का हमने एक यहाँ पर लैंड बैंक हो जाएगा जिसमें निवेशक आएंगे, कुछ हमारे यहाँ निवेश करेंगे, अपना उद्योग बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ भी रोजगार भी देंगे और हमको रेवेन्यू के क्षेत्र में भी जो है मदद मिलेगी, हमारी GSDP बढ़ेगी। उसी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में कि पर्यटन बढ़े, उसके लिए हम कुछ पर्यटन नीति में भी संशोधन कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सेब एप्पल मिशन में, कीवी मिशन में, इसमें हमने सब में
अभी धनराशियों को बढ़ाया है, स्वयं सहायता समूह जो तमाम प्रकार से हमारे एकदम समाज के अंतिम छोर में जो लोग होते हैं, ऐसी मातृशक्ति उसमें लाखों की संख्या में काम कर रही है, जो अपना स्वरोजगार कर रही हैं और स्वरोजगार के साथ साथ सबको रोजगार देने का भी काम कर रही है। उन सबको प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अभी हमने लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है कि 2025 तक कुछ हमने लक्ष्य रखे हैं। उसमें यह लक्ष्य भी रखा है कि 2025 में 125,000 हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, वह सभी लखपति बन जाएं, विभिन्न विभिन्न रोजगार करके, स्वरोजगार करके, अपने आयामों को स्थापित करके। तो ऐसे अनेकों क्षेत्रों में काम चल रहा है और यह भी हमारा प्रयास है कि सारे जो हमारे विभाग हैं वो सभी विभाग हैं अपने अपने क्षेत्रों में कुछ नवाचार करें। जैसा अभी सुबोध नेहल जी ने यहाँ पर बताया कि पहला ये कवि सम्मेलन हो रहा है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी हम कहते थे अपना देश, यही तो बचपन में हम लोग बोलते थे, अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। तो हमारा तो छोटा सा उत्तराखंड है, 13 ही जिले हैं और इसकी संरचना बड़ी भगवान के द्वारा प्रदत्त हमारे पास सभी चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव से एक अपील करी थी, जहाँ उन्होंने केदारनाथ के लिए रोपवे और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे दोनों का जो है उन्होंने शिलान्यास किया था। उसी दिन उन्होंने एक अपील भी करी। मैं कभीवर लोगों से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस अपील को जरूर हमें आगे बढ़ाना चाहिए किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि आप लोगों की अभिव्यक्ति ऐसी है कि आप जो भी कहते हैं लोगों के मन में बैठता है, क्योंकि आप साफ हृदय से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब कोई धार्मिक यात्रा करें, कोई भी यात्रा करें, तो उस यात्रा में हम अपना जो 5% धनराशि, कुल खर्च होने वाली यात्रा का 5% धनराशि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, हथकरघा के उत्पाद हैं, कोई अन्य उत्पाद हैं, एक से एक अच्छे उत्पाद आजकल जो हमारे स्वयं सहायता या स्थानीय स्तर पर काम करने वाले बनाते हैं, उनसे अगर हम 5% की धनराशि खर्च करके उनके उत्पादों को खरीदेंगे तो बहुत बड़ी मदद जो उत्पाद बनाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनका प्रोत्साहन में तो होगी होगी, उसके साथ साथ देश के लिए भी बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएगी। और उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि अगर आपके घर में पहले से ही वो उत्पाद रखे हुए भी हैं तो भी आप उसको खरीदिए, उनको किसी को गिफ्ट कर दीजिए, किसी दूसरे को दे दीजिए। लेकिन इतना अगर हमने आदत में शुमार कर लिया और इसको कहीं ना कहीं हम एक मार्क इसके लिए सेट कर पाए, तो वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, एक ग्रामीण भारत, ग्रामीण मिशन को मजबूत करना, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को आगे लाना, ये इस मिशन का, इस अपील का बहुत बड़ा जो है एक वो बन सकता है। तो इस दिशा में हम काम करेंगे और हमारे जितने भी विभाग हैं वो विभाग अपने अपने स्तर पर, भाषा विभाग ने एक नया काम शुरू किया कि आप सब लोगों को एकत्र किया, कुछ नवाचार किया है, और आप लोग भी बार बार एक कविता तो नहीं सुनाते होंगे, हर बार कविताएं बदल जाती हैं इन्हें, क्यों रविंद्र भाई ऐसे होता है, मिश्रा जी ऐसे ही होता है ना, कविताएं तो बदलती रहती हैं, आपको बदल के सुनाएंगे। नहीं, कवि बहुत सारी कविताएं तो ऐसी होती हैं जिनको बार बार सुनने का मन करता है, लेकिन उसके बाद भी नवाचार हम सबके जीवन में होना चाहिए। उसको लेकर हमने सब विभागों को भी कहा है कि सारे विभाग नवाचार की ओर बढ़े, क्योंकि उत्तराखंड को प्रकृति द्वारा प्रदत्त सब कुछ मिला हुआ है, जहां हमारे पास मैदानी क्षेत्र है, हमारे पास पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, ग्लेशियर हैं, नदियां हैं, वनों से आच्छादित हैं। और आज ही प्रधानमंत्री जी जो G20 का
वो रख रहे थे, अभी आप लोगों ने सुना होगा थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा उत्तराखंड इज सिंपली हेवन, उन्होंने उत्तराखंड को स्वर्ग की संज्ञा दी है। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में अपनी पहचान बना सकते हैं, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हम शामिल हो सकते हैं। उसके लिए कोई अकेले, मेरे को आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं इस दायित्व पर हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो ये कोई मेरी यात्रा नहीं है। सुबोध उनियाल जी मंच पर बैठे हैं तो इनकी यात्रा भी नहीं है, ये यात्रा हमारे सारे लोगों की, उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की, ये सामूहिक यात्रा है। इस यात्रा को गंतव्य तक पहुँचाने के लिए, इस यात्रा को उस स्टेशन तक जहाँ तक जाना है उसको पहुँचाने के लिए हम सबके सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सबके कंधे से कंधे मिलें, कदम से कदम मिलें, एक दिशा में हमारी बात चले, तो हम निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सबको राज्य स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए, हमारे उत्तराखंड के वीर शहीदों को जिन्होंने इस राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, उन सभी को मैं नमन करता हूँ कि उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि मैंने स्वयं इस आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा है। खटीमा का जब 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ था, तो मैंने देखा था किस क्रूरतापूर्वक जो है निहत्थे आंदोलनकारियों पर उस समय बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई थी। उसको हम जब याद करते हैं तो हमें याद आते हैं कि जिन लोगों ने भी उत्तराखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया और राज्य प्राप्ति करने के लिए आंदोलन में निकल पड़े, सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा, और हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान कर दिया, तो उनके सपनों को भी हमें साकार करना है। उन सभी को याद करते हुए, नमन करते हुए, और आप सबको पुनः एक बार शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब लोग पधारें, यहाँ पर बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन होगा, इसकी शुभकामना करते हुए विभाग को बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय निदेशक भाषा संस्थान श्रीमती स्वाति एस भट्टाचार्य जी, आप धन्यवाद और स्वागत ज्ञापित करेंगे। आज राज्य स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित सर्वभाषा कवि सम्मेलन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत